देश के कई राज्यों में मौसम में महत्वपूर्ण बदलाव नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां 8 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण राज्य में मौसम बदल सकता है, वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आसमान में बादलों का आवागमन जारी रहेगा। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी सहित दिल्ली NCR, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सहित दक्षिणी राज्य में भी बारिश को लेकर पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विभाग के अनुसार एक रेखा झारखंड से दक्षिण आंध्र तमिलनाडु तक, आंतरिक उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होते हुए राज्य सीमा से गुजर रही है, जिसके कारण एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र निर्मित हुआ है। ऐसे में झारखंड सहित सीमा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा झारखंड के कई क्षेत्रों में गरज चमक और आंधी का भी पूर्वानुमान जताया गया है। एक रेखा सिक्किम से बांग्लादेश तक औसत समुद्र तल से 8 किलोमीटर तक फैली हुई है, जबकि एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उसके आसपास निर्मित हुआ है। ऐसे में पूर्वी राज्य में भी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी गई है। यूपी, बिहार में बढ़ेगा तापमान। उत्तर प्रदेश, बिहार में तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहने वाला है। तापमान बढ़कर 41 से 42 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान गिरकर 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कई स्थानों पर लू की चेतावनी जारी की गई है। कोई मौसम प्रणाली सक्रिय न होने की वजह से बारिश की चेतावनी जारी नहीं की गई है। तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहने वाला है, जबकि बिहार के सभी क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि देखी जाएगी। गया में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पटना में तापमान बढ़ गया है। पटना का तापमान बढ़कर 41 डिग्री पहुंच गया है। कई स्थानों पर तपिश बढ़ती जा रही है।